करते हैं फिर। नमस्कार सभी लोगों को, गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज स्टार साइन के इस वेबिनार में। आज हम लोग बैच फ्लावर रेमेडी की बात करने वाले हैं। एक बड़ा ही अलग सा टॉपिक है, बहुत ही डिफरेंट, और रेमेडियल मेजर्स में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं इसको आप। तो उसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है मनीष के मौर्य। आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट बाय पैशन, आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट एंड बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर। मैंने एमएस किया है एंड एग्जीक्यूटिव एमबीए भी किया आई एम कैलकटा से। सो इस प्लेटफॉर्म पे स्टार साइन पे जो भी चीज़ हम लोग लेके आते हैं, कोशिश यही रहती है कि कुछ ऐसा नॉलेज शेयर किया जाए जो साइंटिफिक हो, लॉजिकल हो, और कहीं ना कहीं जिसको आप लॉजिकली थ्रू योर ब्रेन यू कैन जस्टिफाई इट कि यस, ये चीज़ करने से इसके पीछे ये लॉजिक है, इसके बिहाइंड ये ऐसी चीज़ें काम करती हैं। तो इसी के क्या कहते हैं कड़ी में एक जो नया क्लास जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और जो नई एक नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इसके बारे में ऐसा बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्पेशली इन इंडिया नहीं है। ये बैच फ्लावर रेमेडी, एक डॉक्टर बैच हुआ करते थे, अभी हमारे साथ चित्रा मैम है, तो चित्रा मैम और डिटेल में, शी इज़ एन एक्सपर्ट, तो वो सारा नॉलेज आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करेंगी। बट द इंटेंशन इज जैसे कि आप अगर ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं और यू नो लाइक जैसे आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए हैं, चाहे आप टैरो करते हैं, चाहे आप किसी भी हीलिंग मोडालिटीज या किस तरीके से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो ये जैसे होता है ना कि एक एडिशनल नॉलेज है जो आपको हेल्प कर सकता है टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू योर कस्टमर। हेलो सौम्या जी, तो ये बेसिकली क्या है कि जैसे आप रेमेडियल मेजर्स वगैरह करते हैं, कस्टमर को अपने रेमेडियल मेजर्स देते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अगर कुछ कुछ चीज़ें ऐसे, अब जितना मैम और डिटेल में शेयर करेंगी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप कोई रेमेडियल मेजर्स भी शायद काम नहीं करता है। जैसे किसी को इनसोम्निया है, किसी को नींद की प्रॉब्लम है, अब वहाँ पे आप उनको कोई रेमेडियल मेजर्स देंगे बट हो सकता है कि बहुत अच्छे से काम ना करे। तो डॉक्टर बैच ने रिसर्च करके बेस्ड ऑन द फ्लावर, उनके एक्सट्रैक्ट से डिफरेंट यू नो उसके वो क्या कहते हैं मेडिसिन टाइप की चीज़ें बनाई, जिसको यूज करके आप, मतलब जैसे होता है ना कि आपने सामने वाले को जो भी जिस भी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, जिस भी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, अलॉन्ग विद दैट आपने अगर ये एक एडिशनल चीज़ उनको साथ में दी, तो वो क्या है कि जैसे मतलब आपने प्रॉब्लम तो फिक्स कर दी, बट एट द सेम टाइम आप टू द पॉइंट जो हमें सॉल्यूशन देना है, टू द पॉइंट जो हमें रेमेडी करनी है, आप वो भी करते चले जा रहे हैं। तो वो सामने वाले को क्या है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। सो दैट्स व्हाई व्हेन जब चित्रा मैम से हम लोगों की बात हुई और चित्रा मैम ने ये नॉलेज शेयर किया, वी गॉट वेरी एक्साइटेड एंड वी डिसाइडेड कि डेफिनेटली हम लोगों को ये जो है लेके आना चाहिए। और स्पेशली इसलिए भी क्योंकि ऐसी जो चीज़ें हैं वो और कहीं ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। चित्रा मैम ने जब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हम लोगों के साथ, तो हम लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, स्पेशली जो लोग ऑलरेडी ऑकल्ट के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके, यू नो लाइक अगर आप वॉर पे जा रहे हो तो आपके तर्कश में एक और तीर आ गया, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सामने वाले को प्रॉब्लम है। अब आप उसको एस्ट्रोलॉजी से फिक्स कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी से फिक्स कर रहे हैं, चाहे रेकी से, किसी भी चीज से आप फिक्स कर रहे हैं, वो उसको उससे फर्क नहीं पड़ता है। ही इज इन पेन, ही इज यू नो नॉट हैविंग अ प्रॉपर मे बी गुड लाइफ और नॉट अ सक्सेसफुल लाइफ, तो उसको तो सोल्यूशन चाहिए। तो ये हैविंग दिस एडिशनल नॉलेज विल डेफिनेटली हेल्प यू, यू नो, टू काइंड ऑफ लाइक प्रोवाइड अ कम्प्लीट होलिस्टिक, जो हम लोग हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए सॉल्यूशन को फिक्स करने के लिए। तो ये आपको एडिशनली हेल्प करेगा होलिस्टिक अप्रोच, यू नो होलिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। सो आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आई विल हैंड ओवर टू चित्रा मैम। सो चित्रा मैम प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को और प्लीज फर्स्ट लेट अस लाइक अपने बारे में बताइए लोगों को और उसके बाद फिर क्लास को कॉन्टिन्यू। थैंक यू मनीष सर, थैंक यू वेरी मच, और इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू ऑडियंस। मेरा नाम चित्रा जैन है और मैं पिछले 10-12 ईयर से ओपन साइंसेस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स में रिसर्च कर रही हूँ। मैं कोच भी हूँ और एडवाइजर भी हूँ।
तो उसी में से एक मैंने जो ये सर के साथ शेयर किया कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है, आप चाहे वोकल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट को लेते हैं तो उसके साथ अगर आप इसको एडिशनल कर दें और इसमें हमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बस हमें इसकी नॉलेज चाहिए, तो बैच फ्लावर को हमने इसमें ऐड किया है। और मैं बैच फ्लावर से रिलेटेड आपको इससे नॉलेज शेयर करूंगी कि अभी कुछ लोग पुराने भी होंगे, सर हमने परसों भी वेबिनार किया था, कुछ लोग नए भी होंगे, तो कोई बताएगा कि उनको कुछ पता है बैच फ्लावर के बारे में, कोई बताना चाहेगा? जी, अगर किसी को बैच फ्लावर के बारे में कोई नॉलेज है तो प्लीज रेज योर हैंड, सो उनसे बात करते हैं। अगर किसी को कुछ भी नॉलेज है तो, किसी को भी नहीं है? जी देवेश जी, आपको है, प्लीज अनम्यूट करें। गुड इवनिंग देवेश। एक्चुअली बैच फ्लावर रेमेडीज है जो आपकी नॉट ऑन फिजिकल, बेसिकली आपकी मेंटल एज ए सोल पे काम करती है। जैसे आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स ना आपको मेंटली रहती है ना, उस पे काम करके टोटल आपको रिलीफ मिलता है। बेसिकली क्या होता है, जब प्रोलोंग इलनेस हो जाती है तो वो आपके स्टार्ट मेंटल इमोशन से स्टार्ट होती है, बाद में वो आपके फिजिकल बॉडी पे आना शुरू होती है। तो जैसे जैसे मैं चित्रा मैम के साथ डॉक्यूमेंटेशन की, तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त मैंने एक रेस्क्यू रेमेडी पढ़ी, तो मैंने उसको यूज़ किया, तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले, मतलब मेरे को नींद भी काफ़ी अच्छी आई। तो उसके बाद फिर मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने मेरे को और मेडिसिन रेमेडी सजेस्ट की कि इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं ये चीज़ यूज कर सकता हूँ, तो इट हेल्प मी अलॉट। इट्स वंडरफुल, वंडरफुल, अमेजिंग। थैंक यू दिवेश। चलो अब हम बैच फ्लावर के बारे में बात करेंगे कि बैच फ्लावर है क्यों। अब सबको यही जानना होगा ना कि बैच फ्लावर है क्यों और हम इसे क्यों यूज करें और इससे क्या हमें एडिशनल बेनिफिट। तो मैं थोड़ा कुछ शेयर करना चाहूंगी। जी कुछ शेयर करना मैम? हाँ जी, शेयर करना है। शेयर हो गया आप? आज वाली जो आपने भेजी थी वही? हाँ वो कर दीजिए आप। ये मैडम, हाँ जी एक मिनट शेयर कर। हाँ ये कर दीजिए, ठीक है। तो हम इसमें, हाँ जी, इंट्रोडक्शन ऑफ बैच फ्लावर। तो हम इसमें बैच फ्लावर होता क्या है, बेसिकली बैच फ्लावर का जो इन्वेंशन है वो डॉक्टर बैच ने किया था 1930s। वो बहुत फेमस एक एलोपैथी डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने इसको उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि एलोपैथी में तो कोई रिजल्ट्स मिलते नहीं है, लोग ठीक होते नहीं है, तो उन्होंने होम्योपैथी में रिसर्च किया, लेकिन होम्योपैथी में भी उन्हें बेनिफिट्स नहीं मिले। तो उन्होंने 6 years तक रिसर्च किया फ्लावर्स पे, नेचुरल फ्लावर्स पे किया। तब उन्होंने ये देखा कि जो इनके एक्सट्रैक्ट है ये हमारे मेंटल लेवल पे बहुत हेल्प करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने 38 फ्लावर्स का रिसर्च किया और 38 फ्लावर्स को लाकर उन्होंने इनको बैच फ्लावर्स में कन्वर्ट किया, जो कि रेमेडीज हमारे माइंड बॉडी एंड सोल पे काम करती है और ये हमारे हर चीज पे काम करती है। तो इस तरह से 38 मेडिसिन का हमारी इनके साथ अप्रोच है जो कि इमोशन बेसिस पे हमारे साथ काम करती है। तो बैच फ्लावर रेमेडीज में इन फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट होते हैं जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन के साथ यूज कर सकते हैं। एक मिनट में आपके साथ, एक सेकंड मुझे दीजिए, जरा मैं एक मिनट शेयर कर दूं। जी स्टॉप कर दीजिए। जी आप बता दीजिए पहले मैडम बैच फ्लावर के बारे में। तुम दिए ना थोड़ा इधर चला गए, एक सेकंड। कोई बात। हाँ जी, तो ऐसे हमारे बैच फ्लावर रेमेडीज का आविष्कार हुआ। इनको यूज करना बहुत आसान होता है, आप इमोशन बेसिस पे इसको यूज कर सकते हैं। ये 38 मेडिसिन होती है। उनका कहना ये था कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है, और वैसे भी हमने देखी कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो इमोशनल लेवल पे होती है। जब हम इमोशनल लेवल के ऊपर इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है और उससे रिलेटेड हम उन्हें फ्लावर्स पे मेडिसिन देते हैं, तो वो बहुत अच्छे से काम करती है और हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं।
जैसे कि वो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस हैं, जैसे किसी को फोकस की कमी होती है, किसी को आपको क्या बोलते हैं लोनलीनेस होता है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो उसमें ये 38 फ्लावर्स की डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज यूज होती हैं और इनका यूज करना बहुत आसान होता है क्योंकि इनकी पोटेंसी जो है ना वो फिक्स है, कोई भी पर्सन को आप यूज कर सकते हो। आपको इस 30 की पोटेंसी होती है और आपको 3 times a डे देना होता है, मॉर्निंग आफ्टरनून और रात के टाइम पे कभी कभी तो, और जो इनका कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं होता और जो इसका यूजेस होता है वो कभी कभी तो 3 to 5 days ही करना पड़ता है और कभी कभी 30 to 40 days करना पड़ता है। तो इस तरह से बैच फ्लावर रेमेडीज जो है एक बहुत अच्छी होलिस्टिक अप्रोच है जो कि आपके सब लेवल्स पे जाके काम करती है। तो पुरुषोत्तम जी, जी किसी बच्चे से बात कर लेते हैं, कोई कुछ जानना चाहते। देखिए अगर बैच फ्लावर के बारे में अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। जैसा कि बताया कि ये आपके इमोशंस पे काम करती है और 38 तरह की मेडिसिन इसमें होती है जिसकी आपको प्रॉपर जानकारी क्लास के अंदर दी जाएगी। जी नीना मैम, आप क्या पूछना चाहती हैं प्लीज। हेलो, एक्चुअली मैम ये क्या है, यानी फ्लावर का यूज है या एसेंस है कि क्या है फ्लावर का? ये मैम फ्लावर्स इन्फ्यूजन होता है, ठीक है। एक एक सीजन के जो 38 फ्लावर्स हैं वो फिक्स हैं, उनके इन्फ्यूजन होते हैं, उसको वाटर के अंदर रख के उनका इन्फ्यूजन पोर्शन निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और वो एक्सट्रैक्ट जो होता है वो आपके माइंड पे इफेक्ट करता है, वो आपके इमोशंस पे करता है। जैसे आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, आप फिजिकल की मेडिसिन लेते रहते हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन आप अगर उन मेडिसिन को, दैट इज नॉट ए मेडिसिन, दैट इज ए रेमेडीज, तो उन्होंने उसको रेमेडीज बोला है ना कि उसको उन्होंने मेडिसिन बोला है। तो जब आप साथ में उसको ऐड करते हैं जो इमोशंस की वजह से आपको वो फिजिकल हेल्थ इश्यूज आ रहा था तो आपको उसमें रिलीफ मिल जाता है। एक आध कोई एग्जांपल कोई फ्लावर का कोई? अभी बताती हूं मैम, अभी बता, एक सेकंड जरा ये स्क्रीन शेयर कर दूं मैं, अभी बता जी। एक सेकंड, जैसा कि आप सबको पता है कि पहला सुख निरोगी काया, तो अगर आपके शरीर में परेशानी है किसी भी तरह की तो ये बहुत ही अमेजिंगली वर्क करती है, आपके इमोशंस पे डायरेक्ट वर्क कर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। मैडम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, ये स्क्रीन शेयर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। पुरुषोत्तम जी आप उसकी वो शेयर कर दीजिए, मेन वाली जो आपकी थी। हाँ मेन वाली शेयर कर दीजिए, 2 minutes आप ये सोनल मैम से बात कीजिए, मैं देख लेता हूँ। जी सोनल मैम, राधे राधे। हाँ जी राधे राधे सर। चित्रा जी मुझे ये जानना था कि इनको रखना यानी इनका स्टोरेज कहाँ कैसा रहता है, मतलब घर में अगर हम रख रहे हैं तो उनको फ्रिज में रखना जरूरी है या आउटर में रख सकते हैं फ्रिज के बाहर भी? नहीं, इनको फ्रिज से बाहर रख सकते हैं मैम, कोई फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको इजी अवेलेबल होती है, ठीक है। अभी मैं आपको आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो कुछ इनको नहीं करना होता, आपको बस ये देखना होता है कि किस पर्सन को कौन सा इमोशन है। सोनल मैम आप क्या करते हो? तो इसमें से आप कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जैसे कि उसके अंदर आपकी एस्पिरिन हो गई, ठीक है, आप उनको दे सकते हो तो बहुत अच्छे से आपको फोकस कर पाओगे आप इसको। और लकीली देखिए आज ही मेरे पास 2 number वाला ही क्लाइंट आया था, जब बात कर रहे और सेम प्रॉब्लम है उसके साथ, उसका ओवरथिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा है, तो वही है कि वो उसका कहना है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मुझे ये सारी चीजें मेरी कम हो। हाँ ये क्योंकि ये सोनल मैम ये इंटरनल लेवल पे जाके काम करती है ना जिसपे हमारा होल्ड नहीं होता, ठीक है, हम कहते हैं कि ना वो ये उस लेवल पे जाके काम करती है, तो ये आपके इमोशंस लेवल पे काम करती है। इसमें 7 तरह के इमोशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग 38 मेडिसिन होती है, और आप इसमें सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हो, अपने लिए भी कर सकते हो, आप अपने नेबर्स में किसी को प्रॉब्लम है उसको भी दे सकते हो, आप इसमें पैट्स को भी दे सकते हो और अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हो। तो जितनी आप रेमेडीज करते हो उसके साथ साथ आप एडिशनल इसको भी दे सकते हो, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि क्लाइंट वही मांगते हैं कि हमें मतलब इस चीज के लिए खास हमारी इस प्रॉब्लम के लिए हमें सॉल्यूशन। मैडम ये बोल रहे थे क्या? हाँ यही, हाँ ये देखो जी, बोल दीजिए, नीचे जाओ।
मैं ही कंट्रोल कर पाऊंगा, आप बता दीजिए क्या करना है। ठीक है ठीक है, आप ऊपर से स्टार्टिंग से कर दीजिए। ये स्टार्टिंग है, देखिए सबसे पहले कि हमारा ये बैच फ्लावर होता क्या है, इस मतलब मैंने आपको जैसे बताया, ही सर ने भी बताया कि जो इसके फाउंडर थे डॉक्टर एडवर्ड बैच थे, वो बहुत क्वालिफाइड एलोपैथी डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने होम्योपैथी में अपनी डिग्री ली, बहुत साल प्रैक्टिस की, लेकिन वो फेडअप हो गए कि होम्योपैथी में मुझे कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा कि जिससे मैं पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट कर पाऊँ। तो उन्होंने बहुत सारी हंड्रेड ऑफ मेडिसिन होती हैं जो कि डिजीज के हिसाब से सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, उनको काफी ज्यादा चैलेंज आए, पोटेंसी से रिलेटेड काफी चैलेंज आए, तो बहुत आसान नहीं था। तो वो कुछ ऐसा चाहते थे क्योंकि वो खुद हीलर थे, उनका कहना ये था कि अगर आप किसी भी चीज का ट्रीटमेंट करते हो तो आपको खुद को हीलर होना पड़ता है। आप अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, आप वास्तु कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले आपको एक अच्छा हीलर बनना पड़ता है, क्योंकि एक हीलर ही किसी को समझ पाता है और हीलर ही किसी का ट्रीटमेंट कर पाता है। तो उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने 6 ईयर्स जंगल्स में गए, नेचुरल जगह पे गए, जहां पर उन्होंने वेरियस बहुत तरह के प्लांट्स फ्लावर्स निकाले और उन्होंने ये रिसर्च किया। इसमें से ऐसे 38 प्लांट्स फ्लावर्स निकाले जो कि ह्यूमन मूड्स के ऊपर काम करते हैं और इसी को बोला जाता है बैच फ्लावर रेमेडीज। आगे कर दीजिए पुरुषोत्तम जी। अब उनका क्या था, वो बोलते उनका उनके अकॉर्डिंग जो हेल्थ होती है वो पर्सन का राइट है, हेल्थ सबसे पहले नंबर वन पे आती है। और हेल्थ जो होती है फिजिकल हेल्थ नहीं होती, ये कंप्लीट हार्मनी होती है। अगर आपके आपको दिखता है कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, माइंड से हो रही है, आपके माइंड में कुछ चल रहा है। सपोज आपको जॉब नहीं मिल रही, अब जॉब नहीं मिल रही तो आप सारा टाइम स्ट्रेस रहते हो, लेकिन उसका जो सिम्टम है वो बॉडी पे आता है। जब सिम्टम बॉडी पे आता है और आपके काम नहीं हो रहे होते तो आपकी कहीं ना कहीं सोल भी सेटिस्फाइड नहीं होती। तो उन्होंने इस डिवाइन पर्पस के लिए बोला कि हेल्थ का कंप्लीट मतलब जो होता है बॉडी माइंड एंड सोल होता है। तो उन्होंने इस पे कहा कि अगर हमारी हेल्थ सही है तो हमारी कंप्लीट पीस है, हम पूरे हैप्पीनेस है। तो उनकी इसी फिलोसफी पे डॉक्टर बैच ने जो 38 रेमेडीज निकाली उनका इन्वेंशन हुआ और जिसका नाम आगे जाके डॉक्टर बैच रेमेडीज पड़ा। थोड़ा आगे कर दीजिए। हाँ जी, लाइफ में हर किसी के ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे ही आएंगे, अगर इंसान अपने सीधे रास्ते भी जाता है तो भी प्रॉब्लम आती है, तो उसकी किसी भी रास्ते पे जाता है उसकी स्ट्रगल होना एक जायज सी बात है, तो उसमें उसकी हेल्थ सफर करती ही करती है। सपोज अगर एक बच्चा है वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, प्लेयर बनना चाहता है, लेकिन वो अगर किसी मेडिकल प्रोफेशन में चला जाता है लेकिन वो हैप्पी नहीं होता क्योंकि उसकी डिजायर फुलफिलमेंट नहीं होती। तो ऐसे करके ही 30 इन मेडिसिन को लिया जाता है, तो या तो वो एडजस्ट हो जाता है या तो वो फिर अपने नई किसी और चीज में चला जाता है। सपोज अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहता है और उसको किसी पेरेंट्स ने मेडिकल में डाल दिया तो वो क्या करेगा, अगर उसको आप ये मेडिसिन देते हो तो वो अपना एक साइड में जाके एक साइड जाके कंसंट्रेट कर सकता है। तो जब हमारा मन खुश होता है, हमारा माइंड खुश होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी मेंटल टेंशन भी नहीं रहती और हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। पुरुषोत्तम जी थोड़ा नीचे कर दो जी। ठीक है, और करो। हाँ जी, और नीचे करो। अच्छा, ये जो रेमेडीज हैं ये आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, बहुत सेफ होती है ये आपकी, आप कोई भी पर्सन इसको यूज कर सकते हो, बट बस आपको ये जानना होता है कि आप किस पर्सन को कौन से इमोशंस की प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा नीचे कर दीजिए। अब जो आपने सोनल जी क्वेश्चन पूछा था कि हम इसको कहाँ से, इसकी कौन सी फॉर्म हम यूज कर सकते हैं और हम इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, आप लिक्विड फॉर्म में यूज कर सकते हो, नीट आपको अपनी जीप पे डालना होता है, या फिर आप इसको वाटर के अंदर मिक्स करके भी ले सकते हो, या आप टैबलेट की फॉर्म में भी इसको ले सकते हो, टैबलेट आप होम्योपैथी की टैबलेट में इसको ले सकते हो। हाँ जी, थोड़ा वो नीचे कर दीजिए, मेडिसिन बाद में बताएंगे। कितने टाइम यूज करना होता है, कभी कभी तो ये आपको सिर्फ 3 से 5 डेज ही यूज करना होता है और कभी कभी आपको 20 से 21 डेज तक यूज करना होता है। ये डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। जो 38 फ्लावर्स हैं उनके नाम क्या हैं, उनके नाम है जैसे एग्रीमनी, एस्पन रेमेडी, बीच, सेंटोरी। अब किस इमोशंस पे ये काम करते हैं, जैसे कि किसी को फियर लगता है, कहीं भी जाओ उसको फियर होता है, पता नहीं होता कहीं भी फियर होता है, लेकिन थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाते हैं।
तो उसको इस इमोशन का पता नहीं होता। एग्रीमनी फ्लावर होता है, अगर आप इसका एक्सट्रैक्ट उसको देते हैं, मतलब उसकी रेमेडी देते हैं, बैच फ्लावर एग्रीमनी बैच फ्लावर की रेमेडी आप देते हैं, तो ऐसा बच्चा जब भी या कोई बड़ा ऐसा किसी भी ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर उसको फियर लगता है तो उसको एकदम से रिलैक्स हो। इसमें इस तरह से आप पुरुषोत्तम जी थोड़ा नीचे करें जी। इस तरह से ये आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के नेम है जो कि आपको पूरे डिटेल में क्लास में मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगी कि आप किसको दे सकते हैं, और कभी कभी कोई इमरजेंसी होती है तो आप उसमें कौन सी एक ऐसी रेमेडी है, जैसे रेस्क्यू रेमेडी है जिसमें 5 फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट है वो आप एकदम दे सकते हो। जैसे कोई आपका बच्चा गिर गया या आपको ऐसी एकदम से न्यूज सुन लेते हो या आपको ये सुनने को मिलता है कि आपके नेबर्स में कुछ हो गया, तो कहीं पर भी कुछ होता है ना, तो आप इस रेस्क्यू रेमेडी का यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आज आपको बताती हूँ कि जैसे हनी सकल खोल दीजिए 20 पेज होगा सर। मैम जैसे ये अगर किसी को स्ट्रेस वगैरह है तो उसमें भी ये रेमेडी ले सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करती है सर। और स्ट्रेस के लेवल्स क्या होते हैं, मतलब स्ट्रेस में आपका कंफ्यूजन है या आपको आपको ये है कि मैं डिसाइड क्या करूं, जैसे कि मतलब अभी स्ट्रेस में भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। हाँ जी, अब इसमें 7 इमोशंस रहते हैं, जैसे फियर है आपको किसी नॉन चीज का है या अननोन चीज का है, ये डिपेंड करता है। जैसे कि किसी को पानी से डर लगता है, अब वो कहता है जैसे मैं पानी में गया मुझे डर लग रहा है, तो ये आपका अननोन फियर है। लेकिन नॉन फियर कैसा होता है कि आपको ये आपको नॉन फियर है, अगर आपको कहीं पर जाकर ऐसा लगता है कि मालूम नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है, आप बहुत सारी पर्सनैलिटी को ऐसे देखोगे कि कहीं पर भी वो कहीं जाते हैं लेकिन थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाते हैं, वो उनको नहीं पता होता कि उनका फियर कैसा है, वो उन्होंने इमोशन को क्रिएट कर रखा होता है। तो जब हम एस्पिरिन नाम की एक रेमेडी को उनको देते हैं तो 3 से 5 दिन में उन्हें काफी रिलैक्स मिल जाता है। ठीक है, अगर उनकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हुई है और वो उसको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे, उसका फियर की मेडिसिन अलग है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, और कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत कुछ आता है लेकिन जैसे एग्जाम देने जाते हैं उनको इतना डर लगता है और एग्जाम के बाद उनसे पूछो वो सब कुछ बताने लग जाते हैं, लेकिन आई थिंक एलोपैथ वगैरह में उसका कुछ इलाज है नहीं, मतलब यू कैन जस्ट आप उसको कर्व कर सकते हैं, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, मतलब वो सप्रेस कर सकते हैं आप उसको। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि मतलब उसमें आराम मिले सामने वाले को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि जो सिम्टम आप देख रहे हो वो कहीं ना कहीं उसके मेंटल की वजह से है। बिल्कुल सही बात है। और सेकेंडली एक चीज और है, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, आप न्यूमरोलॉजी करते हो, आप टारो करते हो, अगर टारो में भी जैसे अभी मैम ने कहा कि उसको डिप्रेशन है, किस वजह से डिप्रेशन है, उसको जॉब नहीं मिल रहा या उसका सेपरेशन आया हुआ है। जैसे आजकल मैंने देखा कि यंग बच्चों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका ब्रेकअप होता है तो वो अपने स्टडी को फोकस नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है, सही बात तो है। यहाँ पर वो चीजें अवेलेबल है। और सबसे बड़ी मनीषर इसकी ब्यूटिफिकेशन ये है कि आप 2 से 3 रेमेडीज को यूज करके उसको दोगे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, जैसे अभी दिवेश था तो दिवेश ने इसको प्रिंट किया था, मतलब उसको टाइप कर रहा था, उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, उसने खुद से ही इसको पढ़ के लेना शुरू कर दिया और उसका मुझे परसों कॉल आया कि मुझे मैम इससे बहुत फायदा हुआ। अभी जैसे मैंने आज एक हनी सकल के बारे में बताती हूँ। हनी सकल क्या होता है कि ये छोटे छोटे झाड़ियों पे इस तरह से एक फ्लावर बना होता है, ये जो है हमारे अमेरिका और लंदन में अवेलेबल होता है, और आपने जो है नाइट मेयर का कहीं पर भी ट्रीटमेंट नहीं सुना होगा एलोपैथी का, लेकिन ये नाइट मेयर में भी बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। तो लोग जैसे रात रात भर को भागते हैं, उनको जिनको नाइट मेयर की प्रॉब्लम होती है या बच्चे रात को चिल्लाते हैं, बच्चे भी रात को सो के मतलब सोते सोते उठ जाते हैं डर के, और अगर आप उनको 1-2 ड्रॉप डाल दोगे तो थोड़े दिन में इनके जो सिम्टम्स है वो डिजोल्व होने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये क्योंकि जैसे आपने एक बात की थी अभी कि जो हमें इसमें कंप्लीट पे काम करना पड़ता है, बॉडी माइंड एंड सोल पे करना पड़ता है, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। डॉक्टर बैच ने, क्योंकि वो एलोपैथी से भी थे, वो होम्योपैथी से भी थे,
और फ्लावर को उन्होंने जेंटल हीलिंग इसलिए बोला कि फ्लावर्स को देखते सबको लव होता है। अब जैसे हनी सकल हम किसको देंगे, जो हमेशा पास्ट में खोता रहता है, बहुत से बच्चे हैं या बड़े हैं वो पास्ट में खोते रहते हैं, वो प्रेजेंट में रहते ही नहीं है। तो ये पर्सनैलिटी कैसे होती है, ये हमेशा पास्ट के लिए सोचेंगी, प्रेजेंट में कभी नहीं सोचती है। और जो इनके साथ पास्ट में कोई चांस रिग्रेट हो गया, कोई चांस इन्होंने छोड़ दिया, उसके लिए सोचते रहेंगे कि वो मैं कर लेता, ठीक है। तो वो उनके उनके सेंटेंस कैसे होते हैं, यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगी वो किस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं। वो ये सेंटेंस यूज करते हैं कि आई फॉलोड, अगर मैंने ऐसा किया होता, मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया होता, मैंने शादी सही टाइम पे की होती, तो वो ऐसी चीजों को चूज करते हैं। लेकिन वो प्रेजेंट में कभी नहीं रहते, एक तो वो पास्ट को चूज करते, पास्ट में सोचते रहते हैं और प्रेजेंट में कभी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जिसके कारण ना ही उनका प्रेजेंट अच्छा रहता है, ना ही वो फ्यूचर में भी कुछ अच्छा कर पाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, मम्मा को फोन करते रहते हैं, उनको होम सिकनेस रहती है, तो ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम होती है होम सिकनेस की। लेकिन वहां पर भी ये रेमेडी बहुत ज्यादा काम करती है, ठीक है। और ये अगर कोई प्रेजेंट प्रॉब्लम को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो वहां पर भी आप दे सकते हो। इसको हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे किसी ने हॉस्टल को ज्वाइन किया लेकिन वो वहां पर इजी नहीं हो पा रहा, वो सोचता है कहाँ पर कि मैं अपने विलेज में कैसे रहता था, फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करता था, फ्रेंड्स के साथ कैसा रहता था, तो वहां पर मेरा कैसा एरिया था। जब वो बुक्स खोलता है तो उसको पुरानी चीजें याद आती है, वो पढ़ ही नहीं पाता, हमेशा स्ट्रेस रहता है, दिन पे दिन क्या होता है कि उसको भूख लगनी बंद हो जाती है, डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए जाता है तो उसको लगता है कि वो बोलते हैं तुम्हें कोई ना कोई स्ट्रेस है, टेंशन है। वहां पर अगर इस मेडिसिन को दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। अच्छा, कुछ जनरल लोगों ने जनरल लोग में एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, या हमारा सीजन चेंज हो रहा है, या हमारा ऐसा हो रहा है कि स्किन प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कितनी भी एलोपैथी मेडिसिन ले लेते हैं उनको इफेक्ट नहीं आता। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी मेडिसिन है जैसे क्रैप एप्पल है, आप क्रैप एप्पल को लेते हो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो पुरुषोत्तम जी, कुछ बच्चों से बात करें। जी जी, किसी के क्वेश्चन है बताएं। जी बबीता जैन जी, राधे राधे जी, कैसे हैं मैम आप? राधे राधे सर, एकदम बढ़िया, आप बनाए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी मैम। एक तो मैम मैं ये कोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, मुझे काफी टाइम से इंटरेस्ट है बैच फ्लावर रेमेडीज में। जी मैम, आपका स्वागत है। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे मल्टीपल प्रॉब्लम है तो उनमें भी वर्क करते हैं, जैसे किसी पर्सन को डायबिटीज, हाई बीपी है, नी प्रॉब्लम या और भी साथ में मल्टीपल प्रॉब्लम रहती हैं, तो उनमें ये वर्क करती है मैम? हाँ देखो, आप उसमें कैसे करोगे, आपको केस तो स्टडी करना ही पड़ेगा। सपोज किसी पर्सन को एक ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो लॉन्ग टाइम से चल रही है। जी, अब मान लीजिए आपने डायबिटीज की बात करी है, डायबिटीज की प्रॉब्लम साइकोसिमेटिक्स में आती है, तो आप डायबिटीज के सिम्टम से एड करके उसको मेडिसिन दोगे, साथ में मेडिसिन ऐड कर दोगे, तो धीरे धीरे आप देखोगे उसके सिम्टम्स में इफेक्ट आता जाएगा, वो मिनिमाइज होते जाएंगे। देखो मैम, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। लेकिन तो मैम ये इफेक्टिव रहती है डायबिटीज वगैरह पे भी? बिल्कुल इफेक्टिव रहती है मैम। और आपको पता है डायबिटीज में क्या होता है, एलोपैथी में क्या होता है, एकदम से सिम्टम्स आते हैं। डायबिटीज इज नॉट ए प्रॉब्लम, डायबिटीज के जो सिम्टम्स आते हैं, आपका न्यूरो पे आया चाहे नेफ्रॉन्स पे आया, वो बहुत डिजास्टर होता है। तो ये उन सबसे बचाते भी है और ये रिवर्स करते हैं। सबसे बड़ी जो बैच फ्लावर की एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि पर्सन को स्ट्रॉन्ग करती है, जैसे डायबिटीज वाला होता है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाता। इसमें एक रेमेडी ऐसी भी है जिसमें पर्सन कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। इसके अंदर एक एलम मेडिसिन आती है, रेमेडी आती है, अगर उसको आप डालते हो तो पर्सन कंट्रोल करेगा, वो चीजें नहीं लेगा जो उसको नुकसान करेगी, वो वॉक करेगा, वो फाइबर भी लेगा। ऑलमोस्ट क्या होता है, आप डायबिटीज वाले क्लाइंट को देखो, वो नहीं मानते हैं मीठा खाए बिना, उनको पता है मुझे नुकसान करेगा, कहीं ना कहीं वो अपने इस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। जी मैम, हम खुद ही पेशेंट है उसके। तो ये क्योंकि मैम कहीं ना कहीं हमें पता है लेकिन हमारा इमोशन उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा ना, जी। तो ये उसमें काफी हेल्प करता है।
जी जी मैम। और सबसे बड़ी बात, आप इसको एनिमल्स को भी दे सकते हो। कभी कभी आप देखते हो एनिमल्स भी बहुत पैनिक स्टेज में होते हैं, आपके आसपास के, आपके घर में कोई पेट है, तो उसमें भी आपको, आप उसको भी बहुत आराम से दे सकते हो। कोई इसको साइड इफेक्ट नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। बबीता जी कहने का मतलब ये है कि एनिमल से लेकर इंसानों तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक अगर आप ये देंगे तो किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी डॉक्टर से आपको पूछने की जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट आपको बताया जाएगा। और बहुत अमेजिंग क्लासेस, आपने तो हमारे साथ पहले भी एक क्लास की है, पूरा हर चीज जो है वो बिल्कुल डिटेल में बताई जाएगी। और कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये क्लासेस जो है, मैं एक बार आपको केवल शेयर कर देना चाह रहा हूँ, जो क्लासेस आ रही है मैडम की 23rd से आ रही है, और इसका टाइमिंग कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे 7:30 कर दिया गया है। 1 आवर का सेशन रहेगा, और हाफ आवर की जैसे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है। कंप्लीट पीडीएफ फाइल आपको दी जाएगी, पूरा आपको समझाया जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज 3333 है, 7 डेज की ऑनलाइन वर्कशॉप है, और इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और एज यूजल सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा कि आपने ये कोर्स किया हुआ है। तो यू ऑल वेलकम, बिल्कुल आइए। बहुत देखिए, हमारा जो मंच है वो आपको हमेशा नई नई चीजों से के नॉलेज की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ही हम यहाँ काम कर रहे हैं। चाहे सर न्यूमरोलॉजी कराते हैं तो परफेक्ट न्यूमरोलॉजी कराते हैं, सारा कस्टमाइज कोर्स है। इसी तरह जब हमने कैंडल मैजिक से शुरुआत की थी तो उसका भी हमने आपको प्रॉपर रूप में आपको बताया। इसी तरीके से मैम को भी हम लाए हैं, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो आप जानकर हैरान हो जाओगे कि हम इतने टाइम से किसी चीज के लिए परेशान थे और कितना अमेजिंगली वर्क कर रही है। तो बहुत ही सिंपल, इजी टू यूज, इजी टू अवेलेबल है। केवल जानकारी आपको यहाँ शेयर की जा रही है कि उसको कौन से इमोशन पे कौन सी चीज यूज की जाएगी। 7 दिन का टाइम है और बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरा बताया जाएगा। तो ठीक है सर, मैं आपसे कनेक्ट करके मैं इसको करूंगी, क्योंकि बहुत सारी बैच फ्लावर रेमेडीज की बॉटल्स मैंने लाके रखी हुई है। देखिए, लाना और उनके लिए समझना कि ये क्यों काम आए, तभी सबसे बड़ी बात है। ओके सर, मैं आपसे बात करके मैं इसको करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम मैडम, स्वागत है। पुरुषोत्तम जी, इसके अंदर कोर्स में एक बहुत अमेजिंग चीज है, जैसे मैंने आपको 7 कैटेगरी बताई, ठीक है, जैसे फियर है, फियर किस तरह से डिफरेंट फियर है, अनसर्टेनिटी है, किस चीज की अनसर्टेनिटी है, उसपे भी आप करेक्ट एकदम चले जाओगे कि हाँ हमें कौन सी करेक्ट पे जाना है, ठीक है। आपको प्रेजेंट सर्कमस्टांस पे, किस सर्कमस्टांसेस पे आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको लोनलीनेस है तो किस वजह से है, आपको ओवर सेंसिटिविटी है तो क्यों है, ठीक है, डिपेंडेंसी है, किसी पे काम करने की डिपेंडेंसी है। बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे हमेशा दूसरों से पूछ कर ही कुछ यूज करेंगे, अपने आप से वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते। जी, कॉन्फिडेंस बूस्टर भी काम बहुत करेगी। इसमें कुछ मेडिसिन तो ऐसी है कि अगर आपको कल इंटरव्यू देना है आप पहले दिन ले लो, ऐसी पर्सनैलिटीज जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा। तो वो बहुत अच्छे से उसको यूज कर पाते हैं। बस जरूरत है इन मेडिसिन को कैसे समझना है, कैसे हमें कनेक्ट करना है और कैसे हमें देना है। जैसे आपने माइग्रेन सुना होगा, बहुत सारे लोगों को माइग्रेन हो जाता है, उसके लिए भी इसमें बहुत अच्छी एक रेमेडी है, वाइन रेमेडी। अगर आप उसको यूज करते हो तो आपको माइग्रेन जिसका कि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, उस पर भी एकदम बेहतरीन काम कर रही है, बहुत बेहतर काम करता है जी। और इसकी आपको कभी भी ऐसे नहीं है कि आदत पड़ जाएगी, मैडम कह रही है कि नहीं, 3 दिन का कोर्स भी होता है कभी कभी और आपको रिलीफ हो जाता है, इसको हमेशा लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। कभी कभी 30-35 दिन लेने की जरूरत होती है बाकी, और सिर्फ 3 बूंद देने की जरूरत होती है, वो पूरा आपको हर चीज से नॉलेज दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट मैडम क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी, अनुराधा गर्ग जी का है। अनुराधा जी प्लीज, राधे राधे जी, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे चित्रा मैम। राधे राधे मैम, जैसे आपने ये बताया था कि ये मतलब डिसीज में भी काम करती है जी, तो मैम जैसे ये डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट रेमेडीज होती हैं मैम, इसमें आप इमोशन चेक करोगे ना, आप फॉर एग्जांपल किस ऑर्गन्स की बात कर रहे हो? मैम एक्चुअली मेरी मदर डायबिटिक है। हाँ, डायबिटिक पे करेगा क्योंकि तो, वो साइकोसोमेटिक डिसीज है। अभी क्या है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में। ओके मैम, उनका क्या है ना, उनका इंसुलिन बनना ही बॉडी में बंद हो गया है। ओके, एज फैक्टर होगा मैम। हाँ, 65 इयर्स की हैं वो। हाँ। तो उनकी दोनों किडनीज पे भी असर आ गया है।
ऑर्गन डैमेज। हाँ जी, तो अभी क्या है ना, उनका उनको आर्टिफिशियल इंसुलिन दे रहे हैं डॉक्टर, वो क्या है उनकी ना बॉडी में स्टोर हो रहा है, वो छन नहीं रहा क्योंकि किडनी खत्म हो चुकी है, किडनी उनका फिल्टर नहीं कर पा रही, किडनी जो है ना वो फिल्टर नहीं कर पा रही, जो आर्टिफिशियल इंसुलिन है ना उसको भी फिल्टर नहीं कर पा रही है जी जी। तो उनका एचबी भी बहुत कम आया था, तो जैसे आज उनको ब्लड चढ़ाया ना तो उनको मतलब साइकोलॉजिकल हो गया, मुझे दूसरे का ब्लड चढ़ाया जा रहा है जी। तो मतलब मैं ये चाह रही थी कुछ ऐसी रेमेडी है मदर के लिए, वो खा भी नहीं रही है कुछ। आप इसमें रेस्क्यू रेमेडी यूज करो, क्योंकि देखो ये साइंस वहां तो और भी अच्छी है जहाँ पे किसी को डायबिटीज हुआ है और उसने स्टार्टिंग में इस चीज को यूज कर लिया तो उसको ये वाले सिम्टम्स नहीं आएंगे जिसमें आपकी मदर आज फेस कर रही है, फिर भी आप वो रेस्क्यू रेमेडी यूज करोगे तो जिस प्रेजेंट सिचुएशन में वो है वो उसको बेहतर से कर पाएंगे, मतलब उससे वो निकल भी पाएंगी और थोड़ा सर अच्छे, मतलब जो उनको माइंड में एक इमोशन अभी जो आ रहा है इनसिक्योरिटी का आ रहा है काफी ज्यादा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, तो उसमें थोड़ा सा उनको ये रिलैक्स होगा, ठीक है जो हो गया वो हो गया, मैं अभी इसको थोड़ा फाइट करूं, हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं, अदरवाइज अगर एक बार बहुत स्ट्रेस हो गया तो उस सिचुएशन से निकलना ही इम्पॉसिबल है, वो ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, मेरे साथ ये हो गया, मेरा मेरे को यहाँ एडमिट करा दिया, ऑल दैट, मतलब उनको हम बहुत समझा रहे हैं बट वो ना मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, मेन उनको ना प्रॉब्लम ये हो रही है, वहाँ खा नहीं रही है कुछ भी, हम लोग बाहर से उनको कुछ दे नहीं सकते खाने के लिए, तो प्रॉब्लम ये आ रही है। हाँ, तो आप उनको ना वो दो रेस्क्यू रेमेडी में ऑलरेडी 5 ऐसी रेमेडीज का मिक्सर है कि जो कि आपको बहुत सारी सिचुएशन से निकालेंगे, जो कि एकदम उनको इंस्टेंट आया, जैसे वो हॉस्पिटल में गए हैं तो उनको इंस्टेंट इनसिक्योरिटी आ गया कि भाई मेरे साथ अभी क्या हो गया, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, वो परेशान हो रही है बहुत ज्यादा, और उनको मैं आपसे नहीं आ रही मैम, पूरी पूरी रात बैठी रहती है, मैंने नर्स से बात की थी ना जो आईसीयू में थी, वो बोल रही है कि आंटी पूरी रात बैठी रहती है, मेरे बच्चों, मैम मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करती हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ, आप रेस्क्यू रेमेडी वैसे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे बात करती हूँ मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू जी। आचार्य जी, राधे राधे, शेखर जी अनम्यूट करें सर। प्रणाम मैम। प्रणाम प्रणाम शेखर जी। मैम मेरा एक तो क्वेश्चन है, बोलिए। जो क्लास होगा क्लास में जो पीडीएफ फाइल जो मिलेगा, पीडीएफ फाइल जी हिंदी का मिलेगा ना सिर्फ इंग्लिश का मिलेगा? हम हिंदी में भी प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा, और एक तो आपका जो पुरुषोत्तम जी को मेरा एक तो रिक्वेस्ट है जी, अरे सर, हम एक्चुअली कर्मकांड ब्राह्मण हूँ, मेरी आपसे बात हो गई ना सर, आदेश करो आप तो सर, मेरे लिए कम से कम कुछ डिस्काउंट कीजिए, आपका जो चार्ज है आप मेरे से कॉल करो सर, मुझे कॉल करो, ठीक, थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम सर, प्रणाम मैम, प्रणाम प्रणाम जी। हर्ष लोहिया जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम, राधे राधे, राधे राधे सर। मैम एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किया, तो मैम ये जो आपका ये जो कोर्स है ये मतलब किस टाइप का कोर्स है मैम, थोड़ा सा क्या थोड़ा बता सकते हैं, मतलब क्या टाइप का जो है सर? आप इसके लिए रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी क्योंकि बहुत आधा घंटा हो गया, पूरा आप बता नहीं पाएंगे आपको। हाँ, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देते हैं कि ये एक रेमेडियल कोर्स है जहाँ पर आपको 38 मेडिसिन के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कि आपके इमोशंस पे काम करती है, इजी टू अवेलेबल है, कौन से इमोशंस में कौन सी चीज काम आएगी वो बताई जाएगी। ये जो औषधि होती है ये आप बच्चे से लेकर बूढ़े तक को दे सकते हैं, इसमें कोई भी तरह की साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और बहुत ही अमेजिंगली वर्क करती है। अगर आप बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में गूगल पे करेंगे तो आपको पूरी की पूरी लगभग जानकारी आ जाएगी, लेकिन उसकी इन डेप्थ जानकारी, क्योंकि मैडम इस पे 18 से 20 साल से 15 साल से काम कर रही है, तो उसमें आपको वो सारी जानकारी आपको क्लास के अंदर दी जाएगी। और आपको मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल पर भी ये कल के तारीख में अवेलेबल हो जाएगा वेबिनार। सर ये जो फ्लावर वाला जो बोल रहे हैं, मतलब फ्लावर क्या हम लोग क्या घर में भी वो लगा सकते हैं क्या उसके? नहीं नहीं नहीं, ये आपको मेडिसिन मिल जाएगी। चित्रा जी प्लीज, आप हाँ जी, आप उसको घर में लगा के आप उसका इमोशन पे कैसे बेनिफिट लेंगे सर? जब हम उसे इनटेक करेंगे तभी वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करेगा ना सर। ये मैम ये जो मान ली किसी की मेमोरी पावर अगर वीक है तो क्या ये भी इसमें काम करेगी? बिल्कुल 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 काम करेगी, इसमें बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जो कि आपके
मेमोरी को फास्ट करती है, आपकी मेमोरी वीक होती क्यों है? जब आप किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं करते तब आपकी मेमोरी वीक होती है। जब आप इसको हैबिट बना लेते हैं कि आप कुछ कुछ सोचते रहते हैं तो आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहता है। जब वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन आपका नॉर्मल हो जाता है तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको कंसंट्रेट होके कर रहे हो तो आपकी डेफिनेटली मेमोरी भी इम्प्रूव होती है। मान ली किसी को मैं कोई चीज जैसे कोई पढ़ाई कर रहा मैम, कोई स्टूडेंट ही है, लेकिन क्या है कि याद करने की जो शक्ति है, जैसे उसको याद करना चाहिए पर याद करने की वीकनेस है, याद नहीं कर पा रहा मैं, तो इसकी भी है क्या रेमेडीज? अभी आपने शायद आपने लेट ज्वाइन किया अभी? यस मैम, इसलिए मैंने बोला। अभी वही मैंने एक बताया है कि जैसे हनी सकल करके होता है, अब वो आपका आप याद नहीं कर पा रहे तो उसका रीजन क्या है? आप कुछ पास्ट के लिए सोचते रहते हो, या आपको एग्जाम से डर लगता है, या आपको पढ़ाई से डर लगता है, आपको इनसिक्योरिटी है, आपको क्या प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा सा आपको फाइंड आउट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उस मेडिसिन को, मेडिसिन नहीं बोलते हैं इसको, रेमेडी ही बोलते हैं, रेमेडी ही बोलते हैं इसको, मेडिसिन नहीं। ये फ्लावर का इन्फ्यूजन है, फ्लावर्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, जेंटल होते हैं ना, तो मेडिसिन तो हमारी बहुत हार्ड होती है, मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। ये क्या करती है, ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, क्योंकि आपकी मेन प्रॉब्लम को आपके इमोशन, मेंटल और सोल लेवल पे जाके आपको हील करती है। तो वो रीजन आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या आप जब पढ़ रहे हो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, या आपको याद नहीं हो पाता, आपकी मेमोरी वीक है, तो उस पे जाके जब आप काम करोगे डेफिनेटली आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है। तब इसको फ्लावर जो आप बोल रहे हैं, फ्लावर में क्या अपने पास में इसको रखना है, या मतलब हर जी आपने लेट ज्वाइन किया है, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए और सभी लोग नोट कर लीजिए, अगर किसी तरह का भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं 7665559566 7665559566 पे कॉल कीजिए। जी नरेश जी, राधे राधे। नमस्कार राधे राधे। नमस्कार नमस्कार। अच्छा बहुत सिंपल सा सवाल है मेरा कि 38 आपने बताया कि 38 फ्लावर्स का वो है, ठीक है, तो सारे हमें रखने पड़ेंगे अपने पास, सारी बॉटल्स या कुछ एक्सपेक्ट होंगी, क्या चीज होगी मतलब उसके बाद? देखो अगर आप किस प्रोफेशन में सर? मैं तो इंजीनियर हूँ मैडम। इंजीनियर, सपोज आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने देखोगे कि मेरे को कहाँ पर जरूरत है, आप वो एक या दो से कॉम्बिनेशन मंगा लोगे और फिर उसमें से अपना जितना भी आपका ड्रॉप्स यूज हुआ बाकी वो आपके रखे रहेंगे, 5 years तक इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, लॉन्ग टाइम तक भी कोई एक्सपायरी नहीं होती। मेरे पास रेस्क्यू रेमेडी 10 years ओल्ड है, कोई इसकी एक्सपायरी होती नहीं है, क्योंकि ये प्रिजर्व होते हैं अल्कोहल में, है ना, उसका जो इंफ्यूजन होता है तो कोई ऐसा साइड इफेक्ट होता नहीं। ओके तो मतलब हमें कुछ एक बता देंगे आप कि इतने ये चीजें आप रख सकते हैं, मतलब इतनी चीजें रख लें बाकी मंगाते रहें, आपको तकलीफ की जरूरत ही नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग। वही बात पूछना चाह रहा था। जैसे सपोज आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूं। जनरल जैसे होती है मतलब बीपी शुगर या इस तरह की चीजें होती है, माइग्रेन है, जो माइग्रेन आ घर में सही चीज होती है जनरली, या वैसे पेन है, बोन पे पेन है। ओके पेन है, कहीं कहीं थोड़ा सा आपको इंपेशेंसी भी रहती है या इनसिक्योरिटी रहती है? नहीं ये मेरे नहीं है, ये घर में मैं बता रहा हूँ, मतलब ये मेरे को अपने लिए नहीं है। जनरल सवाल पूछ रहे हैं सर, इसमें सब रखने की जरूरत नहीं है, आपको नॉलेज है कि मुझे इस चीज के लिए ये चीज काम आने वाली है, एसिडिटी के लिए इनो काम में आने वाला है, लेकिन आपको अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना। आज इतने बड़े बड़े लोग एड डालते हैं ना कि भाई ये चीज करने से ये हो जाएगा, मूव लगाने से दर्द ठीक हो जाएगा, इनो पीने से एसिडिटी, उसकी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, वो आपको सबको घर में रखनी है। बस वही चीज है, स्मॉल सी चीज है, क्योंकि बैच फ्लावर के बारे में इंडिया में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, तो हम उसी को नॉलेज को शेयर कर रहे हैं जी, और इजी टू अवेलेबल है, आप जब भी आपको नॉलेज हो जाएगा कि ये चीज से ये होता है, अगर ईश्वर न करे आपको कभी ऐसी जरूरत पड़ती है तो आप उसको यूज करने में सक्षम रहे और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाएं, बस हम यही चाह रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है वो तो जी, मतलब मैं आपको बता दूं बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर इसका यूज करते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर रेमेडी में यूज करते हैं। हां जी हां जी करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे, आज के जमाने में किसको स्ट्रेस नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल ठीक बात है ना, तो ये एक छोटी सी चीज लेकर अगर हमें उसकी ब्लेसिंग मिल रही है, हम बहुत चीजों से नहीं, मैं तो उसमें मतलब मैं तो मान रहा हूँ कि होना चाहिए, ठीक है,
तो मैं ये बस बात कर रहा था कि 38 है तो 38 का कितने नहीं 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 पांच साल होने चाहिए या क्या है बिल्कुल नहीं मतलब मैं वो बात कर रहा था सिर्फ बिल्कुल नहीं इसमें पांच है दस है कितने होने चाहिए हमारे पास हाँ मैं बस वही बात कर रहा था जी जी बिल्कुल थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच के कल्पना जी प्लीज आप पूछ सकते हैं के कल्पना जी प्लीज अनम्यूट सर जी मैम जैसे कि ये जो बैच फ्लावर का जो बताया मैम ने वो कहाँ पे और कैसे अवेलेबल होगी मैम मैम ये आप बड़े आराम से गूगल से ले सकते हो ठीक है हाँ. इसमें इंडियन भी अवेलेबल है और इसमें अब्रॉड की भी अवेलेबल है क्योंकि एक्चुअली में जो ये रिसर्च हुई थी वो हमारी जो है इंग्लैंड में हुई थी तो उन्होंने वहीं के फ्लावर्स को सर्च आउट किया तो जैसे अपने और भी कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम कहते हैं ना इम्पोर्टेड यूज कर रहे हैं तो ये हमारी इंडिया की भी बहुत सारी कंपनी सब बनाने लग गई बहुत आसानी से मिल जाती है और बहुत जेन्युइन रेट पे मिल जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन मैम इसमें ओरिजिनलिटी कैसे पहचानेंगे नहीं नहीं वो मैं बताऊंगी ना कैसे पहचानेंगे आप होम्योपैथी की मेडिसिन कभी यूज करते तो उसकी कोई एक कंपनी होती है ना जो कि बिल्कुल इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो हाँ जैसे अभी जैसे आपने बोला होम्योपैथी का तो होम्योपैथी में कैसे क्लाइंट की या पेशेंट जो भी है उसकी हिस्ट्री ली जाती है उनको पूछ हाँ, के तो yes. इसमें अपने को भी वैसे ही करना पड़ता है होगा ना आपको आपको इमोशन देखना पड़ेगा जैसे मैं आपको पूरा सिखाऊंगी जैसे मैंने अभी हनी सकल में बोला कि वो ये बोलता है आई विल नॉट मैं नहीं कर पाऊंगा है ना जैसे अगर मैं कर लेता तो आप ये देखोगे कि अगर ये पर्सन ये कहता है कि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ आप उसको कंफ्यूजन का इमोशन देख रहे हो कंफ्यूजन का इमोशन है तो आप उसको उससे रिलेटेड उसको रेमेडी दे दोगे उसका वो कंफ्यूजन वाली जो एक नेचर है वो उसका चेंज हो जाएगी इम्प्रूव हो जाएगा हाँ, बेसिकली आपको इमोशंस की जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से 38 इमोशंस में अलग अलग जो रेमेडी है वो काम में आने वाली है अच्छा जैसे कि आपने कहा कि कोई इसके लिए 3 दिन में या 5 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 21 या 30 डेज में आराम पड़ता है जी बट इनकेस कुछ समय के बाद में अगर जरूरत पड़ी तो हम दे सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल मैम इसमें कुछ मेडिसिन ऐसी भी है जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ठीक है आपने पहले दिन ले लिया तो आपको बूस्ट कर देगी ये तो एक ऐसी चीज है ना कि आप इसको जैसे टॉनिक की तरह यूज करोगे अभी आपको उसको ठीक है उसका नेचर है आपको 3-5 डेज में ठीक हो गया आपको फिर आगे फ्यूचर में जरूरत पड़े आप फिर से ले लो ये तो है नहीं कि आपको परमानेंट लेनी है आपके पास वो मेडिसिन है और हो सकता है आपको जरूरत ही ना पड़े मतलब डाइल्यूट इन वाटर ऐसे देनी पड़ती है आप वाटर में डाइल्यूट करके ले सकते हो आप नीट अपनी टंग के ऊपर डाल सकते हो और ना इसकी टेबलेट भी अवेलेबल है आप उसी क्या होता है कि जैसे कि हमारी कोई भी एक रेमेडी है सपोज हमारी लार्ज रेमेडी है क्या कोई भी फ्लावर की रेमेडी है वो आपको टैबलेट के रूप में भी मिलेगी होम्योपैथी की टैबलेट के रूप में भी मिलेगी आप किसी भी उसमें यूज कर सकते हो लेकिन 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 लिक्विड का बेनिफिट ये होता है कि आप एक साथ दो भी यूज कर सकते हो ना ओके जी ठीक है कल्पना मैम थैंक यू जी बी सुषमा जी प्लीज आप अनम्यूट कर हाँ जी हेलो हेलो मैम हेलो एक्चुअली मुझे दो प्रॉब्लम के लिए पूछना था एक जो है मतलब हमारा जो नेक और बैक रहता है ना वो कंप्रेसिंग बोलते हैं बोन कंप्रेसिंग जो हमारा हाँ जो नेक का बोन छोटा होता है पीछे से एंड लो बैक तो उसके लिए क्या करें मैम देखो मैम ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है आपको है ना आपके स्ट्रक्चर हाँ, में ही प्रॉब्लम आया राइट हाँ, ये टैबलेट हाँ, आपको काम करती है इमोशंस पे अब इसकी वजह से आपको क्या इमोशन डिस्टर्ब हो रहा है आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती होगी कि मेरा क्या होगा हाँ, क्या मैं ऐसी प्रॉब्लम लेके बैठी हूँ तो ये क्या करेगा हाँ, आप इसकी कोई रेमेडी यूज करोगे इसके अकॉर्डिंग तो ये आपके कॉन्फिडेंस को लाएगा आप ये सोचोगे यार ठीक है अभी ये है तो है लेकिन मैं इसको और बेटर कैसे कर सकूं आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करोगी और साथ में इससे फाइट करो अगर मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी बिल्कुल भी क्योंकि ये आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में होता है कि कोई बोन आपकी शॉर्ट हो गई और लॉन्ग है ना ओके हाँ तो और एक है मैम मेरी मम्मी को ना ब्रेन में एनरिज्म है ब्लड क्लॉट अलग है ये बबल है
मतलब एक आर्टरी दब के बाजू में वो बबल हो चुका है, तो उसके लिए एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट चाहिए जो कि एक स्टंटिंग बोलते हैं, तो आपके पास कोई रेमेडी है? मतलब वो बहुत महंगा है, वी आर नॉट एबल टू डू दैट प्रोसीजर, इट्स नियरली लाइक 10 लाख जो स्टंट डालते हैं, कॉइलिंग भी नहीं कर सकते, कम हो जाता क्योंकि बबल बहुत ही बड़ा है, उसकी वजह से उनका जो राइट आई है डबल विजन दिखता है और हमेशा नर्व्स पे खिंचाव रहता है, तो आप तभी बोल रहे थे कुछ नर्व नीरो के लिए है ट्रीटमेंट, तो है कुछ? जी मैम, मैम जो आप अपने मदर का बता रहे हो ये एक सीवियर सिचुएशन है, ठीक है, नर्वस सिस्टम की एक सीवियर सिचुएशन है, बेस्ट फ्लावर काम करती है आपके इमोशंस पे, जब आपकी मदर को ये प्रॉब्लम हुई होगी कहीं ना कहीं उनकी बहुत डिस्टर्बेंस आई होगी। हाँ वो तो है, वो हमेशा इमोशन बहुत सैड रहती है जी, और ये साइंस को हम क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया में, बहुत कम लोग कराते हैं, हम इस साइंस को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपका मन, जो आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसको किस तरह से हैंडल करती है ना, जब आप उस मेडिसिन को लेते हो या उस रेमेडी को लेते हो तो आप बैलेंस हो जाते हो। तो अब जो आप अपने मदर की बात कर रहे हो वो एक बहुत एक्सट्रीम वाला केस है, फिर डायरेक्ट तो देखो डायरेक्ट आपको बैच फ्लावर वहां पे हेल्प नहीं करेगी, आप उनको बैच फ्लावर कैसे हेल्प करेगी, जो उनकी करंट सिचुएशन चल रही है उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगी, लेकिन जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो उसका ट्रीटमेंट नहीं करेगी। तो मैम और एक बात पढ़ाई का था जो बोल रहे हो, कुछ लोगों को याद नहीं रहता है, कुछ लोगों जैसे कंसंट्रेशन, जैसे बुक लेके बैठते तो अलग अलग थॉट्स आते हैं बुक लेने के बाद, ये क्यों है वैसे मैम, ये कौन किसके लिए इतना प्रॉब्लम है, मतलब आपके पास कुछ फोकस नहीं कर पाते उनका ना, क्या होता है कि ध्यान भटकता है इधर या उधर, तो उनके अंदर लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, तो उसके लिए है यहाँ पर 100% 90% ट्रीटमेंट। बिकॉज मैं लेट ज्वाइन हुई तो मुझे समझ में नहीं था, बस आप जब बोल रही थी तब समझे मैं। सब चीजों पे काम करती है, जहाँ पर आप लोनली फील करते हो, अभी आप जैसे बहुत सारी मदर्स को देखते हो ना, बच्चे चले जाते हैं हॉस्टल, अभी हम क्या करें, उनको एक लोनलीनेस की फीलिंग आने लगती है, ठीक है, फोकस नहीं रहते बच्चे, फोकस नहीं रहते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो ये सब उन सब जगह पे काम करते हैं मैम। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू जी। तो बहुत ही अमेजिंग क्लासेस होने वाली हैं, बहुत ही अच्छा नॉलेज शेयर होने वाला है, 7 डेज की ऑनलाइन वर्कशॉप है, 23rd of March यानी कि परसों से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 7:30 का सिर्फ एक ही बैच है, 1.5 आवर की क्लासेस रहेंगी, 1 आवर सेशन रहता है, 1/2 आवर आपके क्वेश्चन आंसर रहते हैं, इसमें आपको कंप्लीट PDF फाइल मिल रही है, कंप्लीट सर्टिफिकेशन मिल रहा है, और आपको कंप्लीट वीडियो जो भी आपकी क्लासेस की होंगी उसका एक्सेस आपको मिलेगा। 3333 एनर्जी एक्सचेंज है। इसके अलावा किसी को भी कोई भी क्वेश्चन होता है या किसी चीज की दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 7666555956, 7666555956। यू ऑल आर वेलकम तो दिस वंडरफुल वर्कशॉप। 7 दिन की क्लास में आपको कंप्लीट इमोशंस के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी रेमेडी किस इमोशंस पर प्रॉपरली वर्क कर रही है। जी अनिल कुमार जी प्लीज, आप अनिल कुमार जी प्लीज अनम्यूट करें। हेलो जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे बहुत से लोग हैं वो चेन स्मोकर हो गए या एडिक्ट हो गए ड्रिंक्स के, तो उनपे भी ये काम करते हैं? जी सर, एडिक्शन पे भी काम करती है, वो छोड़ना चाहते हैं अपनी एडिक्शन को बट उनके अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं रहती। यस यस यस, है ना, तो ये कंट्रोल पावर को बैलेंस करता है, उस पे काम करती है। तो लंबे समय तक लेनी पड़ती होगी इसका कुछ? सर इसमें आपको ये केस हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, वो पर्सन कब से ले रहा है। ठीक है सर, थैंक यू अनिल जी। जी मनीषा आईफोन प्लीज, मनीषा जी मैम। हेलो मैम, मुझे ये पूछना था कि इसमें रिंगवॉर्म के लिए भी कोई रेमेडी है? मैम रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम जो होती है स्किन से होती है। यस, है ना, एक्सेस ड्राइनेस जब होती है तब आपको रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम होती है। राइट, तो इसमें वो हेल्प करेगी आपको कहीं ना कहीं, उनको क्या होता है जब रिंगवॉर्म होते हैं, जब सीजन चेंज होता है ना, काफी टाइम
से हो रहा होता है, पता नहीं चलता, वो जब डिफरेंट सीजन आता है, एक सीजन के बाद डिफरेंट सीजन आता है, दूसरा सीजन आता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बॉडी की स्किन की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है. राइट. हाँ, तो वहां पर सेंसिटिविटी के लिए आपको यहाँ पर रेमेडी मिलेंगी और डेफिनेटली वो हेल्प करेगी. ओके ओके. तो ये लोकल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं या इंटरनली लेना पड़ेगा? क्योंकि क्योंकि देखो बैच फ्लावर का क्या है प्रिंसिपल, कि ये बेस्ड होती है आपके इमोशंस पे, ये वर्क करते हैं आपके इमोशंस पे, जो आपकी क्रिएशन है फिजिकल प्रॉब्लम की वो आपकी हो रही है माइंड से, आपके इमोशन से हो रही है. तो ये उसको कंट्रोल कर, तो वो जो आपका सिम्टम आया है वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगा. ओके मैम. ओके, थैंक यू. थैंक यू मनीष जी. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. मनीष जी आप हैं हमारे साथ? मनीष जी, अनीता मैम प्लीज आप पूछ लीजिए. सर फर्स्ट थिंग ये क्लास का टाइमिंग 7:30 to 9 थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, ऑफिस से निकलने का टाइम होता है वो. मैडम थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, केवल 7 दिन की बात है. क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम भी बिजी होते हैं, हमने 5:30 का रखा, बहुत सारे लोग 5:30 में अनकंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि ऑफिसेज रहती है, इसलिए हमने इसको थोड़ा आगे कर लिया 7:30. या तो फिर लेट सर, जैसे मनीष सर की क्लास थी 9:30, बिकॉज़ वो ट्रैवलिंग में फिर है ना, दोनों की क्लास क्लैश हो जाएंगी ना मैडम, फिर वो दूसरे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे अगर कोई इच्छुक होंगे तो, इसीलिए क्लैश नहीं करना चाह रहे. अनम्यूट हो गए मैडम. हेलो जी मैडम, म्यूट हो जा रहे हो आप. नहीं नहीं मेरा यहाँ से बराबर है जी. बोलिए बोलिए. मैम मुझे ये पूछना था, एक्चुअली मुझे बहुत डिप्रेशन, सेंसिटिविटी और कभी टेंशन आता है तो हाथ वगैरह शिवर होते हैं. मैं अभी थोड़ा लेट ज्वाइन हो गई, तो इसमें कैसे काम करेगा? हेलो हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही. हाँ एक मिनट चित्रा मैम, आप प्लीज अनम्यूट कर ले. मैम अनम्यूट नहीं है आप. चित्रा मैम चित्रा मैम आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आप म्यूट हो गए हैं जी. मैम बोलिए. अनीता मैम आपके लिए तो ये मेडिसिन वरदान है, ये रेमेडी वरदान है आपके लिए, कहीं आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलना. एलोपैथी में डिप्रेशन की कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है. मैम मुझे एलोपैथी सूट ही नहीं होता है. एलोपैथी में क्या होता है, डिप्रेशन होता क्यों है? मैम मुझे एक और प्रॉब्लम है, जैसे एम्बुलेंस वगैरह पास होती है या किसी का ऐसे सुन लेती हूँ कोई अननोन पर्सन भी, तो मेरी बॉडी शिवर होने लगती है एंड फिर मैं सो भी नहीं पाती हूँ. थॉट्स बहुत. आपको नॉन फियर है ना, इस चीज को लेके आपको फियर, तो आपके लिए तो ये मेडिसिन, ये वाली जो रेमेडी है बहुत अच्छा काम करेगी. आपको डे बाय डे खुद भी अच्छा लगने लग जाएगा कि अब मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, या मुझे अब देख के डर क्यों नहीं लग रहा. थोड़ा टाइम आप यूज करेंगे, यू विल फील वेरी रिलैक्स. मैम अगर वो समझो ये मैं क्लास ज्वाइन कर लूं, बट इफ आई एम नॉट एबल टू अटेंड, बिकॉज़ आपको मैम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स पूरी प्रोवाइड करा दी जाएंगी, और जो करेगा उसको भी, जो नहीं नहीं भी अटेंड कर पा रहा उसको भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स कम्प्लीटली मिलेंगी आपको. उसके बाद भी आपका एक ग्रुप बनता है, उसके अंदर भी मैडम 1.5-2 महीने तक एक्टिव रहती है. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा. हाँ, और मैं अभी आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो गई, तो दिस यू विल हेल्प अस टू मेक दैट मेडिसिन और यू विल प्रोवाइड दैट मेडिसिन. मैम ये आपको आसानी से रिसर्च, आपको आसानी से मार्केट में भी मिलेंगी, गूगल पे भी मिलेगी, और आपको 38 की नॉलेज मिलेगी. लेकिन इंडिविजुअल आपको कितनी चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए या तीन चाहिए, वो आप लेके अपने लिए यूज करो. ओके, आप इससे किसी भी हेल्प कर पाओगे, आपके ऑफिस में है, आपके नेबर में है, आपकी फैमिली में है, आप देखोगे कि हाँ इसको इसकी जरूरत है. जैसे अब आपने अपना बताया कि आपको डिप्रेशन है और आपको फियर है, तो आपको ये दो रेमेडी चाहिए. थैंक यू मैम. आइए सीखिए, अवेयर कीजिए,
ईश्वर ना करे कि आपको जरूरत पड़े, लेकिन आपके पड़ोसियों को, आपके परिवार में, आस पड़ोस में कहीं पर भी अगर आप हेल्प कर पा रहे हैं तो 333 इज नथिंग, पर एक नॉलेज तो मिल ही रहा है ना हमको, बस नॉलेज गेन करने के लिए। मैं तो हर वेबिनार में कहता हूँ कीप लर्निंग, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, नॉलेज लेना मत छोड़िए। दिन का एक घंटा अगर नॉलेज अपन इनहांस करते रहेंगे तो एक दिन वो आएगा कि हम अपने आप को सबसे बेहतर पाएंगे। पुरुषोत्तम जी, ये नॉलेज जो है ना बहुत इमेजिंग है, इसमें मतलब जो इसको करेगा ना वो समझ पाएगा कि उसने क्या पाया। और सबसे बड़ी मनीष जी की ब्लेसिंग है इस प्लेटफॉर्म पे जो इसको इस प्राइस पे दे रही है। जी जी जी। कोई भी कहीं पता कर ले तो शायद उसको पहले तो कोर्स ही ढूंढना पड़ेगा कि है कहाँ पर। जी जी जी। तो इसके बहुत ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ी एक उन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए किया है। बहुत बहुत शुक्रिया है मनीष जी का भी। और लास्ट दो क्वेश्चन ले लेते हैं मैडम जी, दो हैंड रेस है, पहला ले लेते हैं पूजा गर्ग जी का। जी पूजा मैम, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो मैम, राधे राधे। हेलो हेलो जी पूजा जी, राधे राधे जी। पूजा जी बताइए। मैम एक्चुअली आई वांट आस्क कि इसका इफेक्ट कितने दिन में नजर आएगा, जैसे हम मेडिसिन ले रहे हैं विद इन 5 डेज 10 डेज लाइक कैसे? देखो मैम, ये आपको ना आपको खुद से ही 1 से 2 दिन में ही महसूस होने लग जाएगा कि समथिंग इज हैपनिंग। सपोज अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है वो कितनी पुरानी है। ठीक है, सपोज आपकी कोई 1 वीक पुरानी प्रॉब्लम है और आपने लिया, आपको इंस्टेंट उसका रिजल्ट दिख जाएगा 2 या 3 दिन में। लेकिन अगर आपकी ईयर या कपल ऑफ ईयर्स की प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता ही है ना, लेकिन आपको डे बाय डे इम्प्रूवमेंट नजर आने लग जाएगी। जी पूजा, पूजा मैम आपने तो एंट्री की है, मतलब आपने एनरोल किया ना? अरे वेलकम मैडम, आप तो आ रहे हो, सब सीख जाओगे। वैसे जिन लोगों को भी डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन स्ट्रेस की कोई मेडिसिन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है दुनिया में। हेलो, हाँ जी, हाँ हेलो जी पूजा जी। जी आशिमा जी का ले लेते हैं शायद, उनका नेटवर्क इशू होगा। जी आशिमा जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ma'am, I wanted to know, do these batch remedies, flower remedies, work on the allergies? Like my daughter have an allergy, she have dust allergy and food allergy. These medicine work for that also? Yes, yes, ma'am. Okay, because the reason behind is the sensitivity. And she is only 3 years. Like I can give these medicines or the remedies? आप इसको drops कम करके देंगे. जैसे अगर 4 इयर्स तक के बच्चे को 2 ड्रॉप्स। ओके, द प्रोपोर्शन उसका रिड्यूस करके आई कैन गिव इट टू हर। जी, अदरवाइज ओके ओके। जैसे वो बड़ी होती जाएगी तो उसका तो कोई आपको ट्रीटमेंट मिलेगा नहीं, आपको हमेशा ही उसके सेंसिटिविटी को मेंटेन रखना पड़ेगा। मैम शी इज ऑन एलर्जी मेडिकेशन आल्सो, सो उसके साथ मैं दोनों कर सकती हूं, मेडिकेशन एंड दिस? बिल्कुल दे सकती। ओके ओके। होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी मेडिसिन। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशिमा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। एक मिनट मैडम, देवेश जी प्लीज आप भी पूछ लीजिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि हम रेस्क्यू रेमेडी यूज करते हैं एज ए इंस्टेंट रिलीफ के लिए, can we combine this with other remedies or like we should not combine with other thing when we are using rescue remedy? नहीं, rescue remedy में जो आप rescue remedy ले रहे हो, इसे combination of 5 remedies। rescue का मतलब कि instant जो भी आपके साथ कुछ एक ऐसी situation आई है जिसमें से आपको अपने आप को rescue करना है, तो आपको उसके साथ दूसरी medicine use करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो कॉम्बिनेशन है 5 remedies। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू देवेश जी, थैंक यू वेरी मच। मनीष जी प्लीज। जी सर, सबके क्वेश्चन आंसर हो गए। मैं तो बहुत इंप्रेस हो गया हूँ, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है जी। और स्पेशली इसलिए क्योंकि जैसे डॉक्टर बैच ने जब ये लॉन्च किया तो उन्होंने इसको मेडिसिन नहीं बोला, जैसे एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, अभी कहीं ना कहीं देखने में अपने को वो होम्योपैथी की दवाई जैसी ही लगती है।
बट उन्होंने इसको रेमेडी बोला बिकॉज कहीं ना कहीं वो इमोशंस पे और उन सब चीजों पे काम करने के लिए इसको जो मतलब बॉडी माइंड सोल जो वाली बात हो रही है वो कहीं ना कहीं उस चीज पे ये काम करने जा रहा है, ये ऐसे रोग पे काम नहीं कर रहा है, मतलब इट इज काइंड ऑफ लाइक फिक्सिंग दैट इमोशन इन योर बॉडी माइंड सोल की जहां पे वो प्रॉब्लम है। तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही अमेजिंग चीज है और ओवरऑल जितना मुझे समझ में आया आई थिंक आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग ये कोर्स लेके आए। ये एक नॉलेज जो नहीं अवेलेबल है इंडस्ट्री में थ्रू आउट द इंडिया, इतना पॉपुलर भी नहीं है, मतलब मैंने भी पहली बार जब आपसे बात की थी मैम तब सुना था। आई थिंक इट्स रियली अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच। आई मीन फ्रॉम स्टार साइन आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप ये चीज लेके करेज है, बिकॉज क्या होता है अगर कोई आप नई चीज लेके आते हो तो कभी कभी बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्शन भी हो जाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने ये ऐसी एक नई चीज आप लेके आए, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू स्प्रेड द वर्ड कि भाई ये भी एक चीज होती है एंड इट्स वेरी इफेक्टिव वेरी सिंपल। सो जितने भी लोग वेबिनार में, सबसे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम एंड ज्वाइन दिस क्लास। एंड मैम हैज अ आई थिंक मोर देन 10 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, सो शी इज वेरी गुड एंड आई थिंक ये एक एडिशनल तर्कश में तीर होगा आपके, ठीक है, अगर आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं तो। जैसे अभी मैम ने बोला कि नाइट, अगर किसी को नाइटमेयर वगैरह की प्रॉब्लम है, डेफिनेटली अब उसकी रेमेडी क्या करेंगे आप, अगर आप न्यूमरोलॉजी में जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो ऐसी क्या रेमेडी आप उसकी कर सकते हैं। तो ये वैसी चीजों के लिए बड़ा इफेक्टिव है जहाँ पे आपका क्लाइंट आया और उसके पास उसको उसने अगर स्पेसिफिक ऐसी कोई प्रॉब्लम बोल दी, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड इस तरह की कोई चीजें उसने बोल दी, तो वहां पे बहुत अच्छे से। और आजकल स्ट्रेस तो मुझे लगता है कि 90% लोगों को स्ट्रेस तो रहता ही है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग एवरी डे, दिन भर मोबाइल यूज कर रहे हैं, दिन भर ऑफिस में काम कर रहे हैं, आई थिंक इट इज वेरी इफेक्टिव एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉपुलर। बहुत जल्दी जो है ये बहुत पॉपुलर होने वाला है बिकॉज जो इसका रिजल्ट है, जैसे दिवेश जी आए थे उन्होंने अपना एग्जांपल शेयर किया, तो आई थिंक अमेजिंग। थैंक यू सो मच मनीष जी, थैंक यू वेरी मच। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ना हमारी जितनी भी मोडालिटीज हैं सबको हेल्प करने वाली है, क्योंकि मैंने इसको न्यूट्रिशन की फील्ड में इससे बहुत बेनिफिट लिया, क्योंकि आप जैसे मैम ने बोला कि मेरी बेटी को स्किन प्रॉब्लम है तो वह सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी का इमोशन। जैसे एक मैम ने बोला कि किडनी का प्रॉब्लम है, लेकिन किडनी का प्रॉब्लम अगर वो पहले से उस साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम पे काम कर लेती, अगर आपने जो एक चीज बहुत अच्छी बोली कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, अगर हम मल्टीपल ऑकल्ट चीजें यूज करते हैं ना तो डेफिनेटली उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, तो हमें कोई चीज छोड़नी पड़ती है, पकड़नी पड़ती है। अब यहाँ पे इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, मतलब आप जो कर रहे हैं जो करिए तो सॉल्यूशन जल्दी और अच्छा मिले। और ये क्योंकि फ्लावर बेस्ड है, जेंटल है, किसी को भी फ्लावर को देख के कोई भी ऐसी फीलिंग कभी किसी को आई डोंट थिंक दुनिया में इंडिया में या किसी भी संसार में किसी को आई होगी। हॉस्पिटल में भी कोई अगर पेशेंट है वो जैसे फ्लावर को देखता है वो हैप्पी हो जाता है, फ्लावर इज इक्विवेलेंट टू हैप्पीनेस। तो दैट इज व्हाई डॉक्टर बैच इज कॉल एज ए जेंटल हीलिंग इन्फ्यूजन। और वो आई थिंक कि वो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बड़े बून थे, लेकिन शायद हम उसे अडाप्ट नहीं कर पाए, और अगर इसको साथ में लेंगे तो हर मोडालिटी में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इजी है वो, बहुत करना आसान है। डेफिनेटली मैम, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, वी विल बी ब्रिंगिंग मोर एंड मोर सेशन, सो अपने हमारे साथ बने रहिए, जिस भी ग्रुप में व्हाट्सएप में जहां पे भी जुड़े हुए हैं, किसी सोशल मीडिया पे आप जुड़े हुए हैं, हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही और डिफरेंट तरीके के मोडालिटीज जो है हम लोग लेके आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, राधे राधे टू ऑल, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था आपने, बहुत अच्छा, थैंक यू पुरुषोत्तम जी, और जो क्लासेस आ रही है अगर उससे पहले भी किसी के क्वेश्चन हो तो वो कॉल करके पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ सकते हैं, थैंक यू सो मच, राधे राधे जी, राधे राधे एवरीवन, राधे राधे, राधे राधे सर, राधे।